नमस्कार, आप देख रहे हैं बगान न्यूज 24 बिहार। युवक अपने पैतृक गांव लगुनाहा से करनाल कमाने के लिए गया था। युवक की पहचान काशी खटिक के पुत्र 24 वर्षीय भोला के रूप में हुई है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पूरा मामला चौतरवा थाना क्षेत्र के लगुनाहा का है। दरअसल केशव साह उर्फ राकेश अपने ही पड़ोसी भोला को करनाल ठेकेदारी के काम में लेकर गया था। मृतक का भाई रमाकांत खटिक ने बताया कि 20 नवंबर को केशव खटिक के परिजनों ने बताया कि भोला की मौत छत से गिरने से हो गई है। उन लोगों ने बताया कि केशव का फोन आया था, उसी ने इसकी जानकारी दी है। इसके बाद भोला के परिजन साथ में काम करने वाले लोगों से फोन के माध्यम से जानकारी लिया तो पता चला कि ठेकेदार केशव और भोला के बीच में पैसे को लेकर मारपीट हुई थी। हालांकि मौत कैसे हुई है इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। बगहा में शव छोड़कर भाग गया केशव। इधर करनाल से ठेकेदार केशव भोला के शव को लेकर एम्बुलेंस से अपने गांव के लिए चला था, लेकिन बगहा में पहुंचकर एम्बुलेंस में शव छोड़कर फरार हो गया। किसी तरह से एम्बुलेंस चालक ने भोला के परिजनों को ढूंढ कर शव को उनके हवाले दिया। परिजनों ने बताया कि ठेकेदार के द्वारा फोन पर बताया गया कि छत से गिरकर मौत हुई है, लेकिन ना तो उसका कहीं पर इलाज कराया गया और ना ही पोस्टमार्टम कराया गया। एम्बुलेंस चालक बलवंत सिंह ने बताया कि शव छत पर पड़ा हुआ था, वहीं से उतरकर गाड़ी में लेकर मैं यहां पहुंचा हूं। चौतरवा थाना अध्यक्ष सुरेश कुमार यादव ने बताया कि मामले में 0 FIR दर्ज किया गया है। शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसे रिपोर्ट को भी करनाल भेज दिया जाएगा। तो इसको घर पहुंचाना है, घर के इनके घर के से बात हुई। कौन बोला आपको? जो साथ में आया। नाम पता है? नाम नहीं जानते भाई। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद बगहा में बताया जा रहा है कि शव को जो है छुपाने के लिए प्रयास किया जा रहा था, गायब करने के लिए। शव को गायब करने के लिए नहीं, वो उतरने के लिए उन्होंने प्रयास किया। अब गायब तो गाड़ी चलानी पड़ेगी, जब भी गाड़ी गायब होगी वो हमारे को हमारा हाफ पेमेंट करके वो कहने लगा जी यहाँ से 3 किलोमीटर पे गांव है, हमने उससे नंबर लिया। भाई मैं उसको नंबर तो दो, मेरे को किसके पास जाना है। उसको नंबर लिया, फिर हमने उसको फ़ोन किया भाई ये आपका गांव किधर है, कितनी दूरी पे है। वो कहने लगा जी हमारा बगा इतनी दूर पड़ता है, आप आ जाओ, सीधे आ जाओ। फिर हमने 2-3 गाँव के जैसे सड़क पर रात में बंदे मिले, उनकी मदद ली भी, सर हमारे को एड्रेस बताओ, ये डेड बॉडी पहचाना है। सर वो इतनी दूरी हमारे को बोले 5 किलोमीटर पर गांव है, आप इसको छोड़ दो। इतना भी हमारा आप पेमेंट करके वो 4 बंदे तो चले गए। 2 बंदा गाड़ी में आया था हरियाणा से, 2 बंदा उनको पिकअप करने के लिए आया था बगहा में। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलवंत सिंह है। कहाँ रहने वाला है? मैं हरियाणा करनाल से हूँ और मेरी BS एम्बुलेंस अप्रूव्ड है, इंटरनेट पर भी आप सर्च कर सकते हो। क्या नंबर है आपका एम्बुलेंस का? मेरा नंबर है HR 45D 1928। रजिस्ट्रेशन है? हाँ। कब की घटना है? शाम 7 बजे के। कहाँ की घटना है? करनाल के। केकरे में हाथ हुआ? केशव के सुधीर के अमन्नी के। जेकर मौत भइल बा ओकर अपने के बारे में? बेटी का नाम पड़ी अपन? मुन्नी। बात ऐसा बा कि हमनी के गई जाने थी बगहा कि यावतल लो अथी करावे पोस्टमार्टम, तो ई लो चीनी मिल तर उतर गई बा ड्राइवर से कह के कि 3 किलोमीटर हमारा घर है चले जाओ। ड्राइवर वहाँ से आ गया है चखनी, वो बोलता है कि यहाँ तक आ गए कौन सा कुछ पता करते पूछते लोग से 11-12 बजे रात के लोग से पूछते ड्राइवर आ गया कि कहाँ पे कोई गाड़ी वाला से कहाँ पे जाना है लगुनाहा कहाँ पे है। उसके बाद चखनी में ड्राइवर लाश को सोच रहा था कि झाड़ी में रख दें और झाड़ी में रख के हम यहाँ से आपस हो जाएं, जब जो लाया वो भग गया तो हम लेकर मार खाने थोड़ी जाएंगे। लेकिन तब तक हम लोग पिकअप से वहाँ पहुँच गए, बोले कि नहीं ड्राइवर उस्ताद आप में कोई गलती नहीं, आप लाश लेके चलो, आपको हम कुछ नहीं करेंगे। कितने दिन पहले बाहर गए थे? 5 महीना पहले गए थे। लेकिन ड्राइवर में गलती यही है कि वहाँ थाना पर जहाँ से लाश लेकर हरियाणा से आया है ये करनाल से, थाना पे नहीं रिपोर्ट दिया है और ये लोग फोन पे बोल रहा था कि हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, हॉस्पिटल का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ये लोग राड से सीधा सर पे मारा है, सर फटा है और बांध कर छत पे रख दिया है और फोन पे बोल रहा था कि छत से गिर गया है नीचे, मर गया है, हम लोग इसको इलाज करा रहे हैं हॉस्पिटल में। नहीं हॉस्पिटल में गया है, नहीं वहाँ का चौकी में गया है। ये लोग सीधा वहाँ से छुपा कर लाश लेकर यहाँ आया है। आपको कैसे पता चला कि बगहा पोस्टमार्टम के लिए आ रहा है? ये लोग
वहाँ फोन तो अपना स्विच ऑफ कर लिया था, लेकिन गांव में इन लोग के हित है तो हमारा दुश्मन थोड़ी है। गांव का कोई हमसे भी किया बोल रहा था कि ये लोग नॉर्मल चाहते हैं पोस्टमार्टम कराने का, चिरवा फरवा कर कैसे लाने का, तो इससे अच्छा कि तू हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, तू हॉस्पिटल में गाड़ी लेकर पहले से खड़ा रहो, जब लाश लेकर ये लोग आएगा तू बोल देना कि नहीं हम इस टाइम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, हम उनके भाई है छोटा। क्या नाम पड़ेगा? रामाकांत।